भागलपुर की सुल्तानगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नई सीढ़ी घाट के समीप नगर परिषद सुल्तानगंज के पूर्व सभापति दयावती देवी के पति रंजीत यादव और बच्चा यादव को 3 अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिसके बाद अपराधी मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और घायल रंजीत यादव और बुच्चा यादव को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। परिजन और ग्रामीणों ने रंजीत यादव बुच्चा यादव के सीने में गोली लगने की बात कही। वहीं डॉक्टर ने रंजीत यादव बुच्चा यादव को गंभीर स्थिति देखते हुए मायागंज रेफर कर दिया। वहीं घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार, वो दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक दहेज के लोभी परिवार ने एक दिव्यांग वृद्ध पिता की बेटी को मौत की नींद सुला दिया। मामला दिलदारपुर बिंद टोला का है। रमेश महतो के द्वारा अपनी पत्नी संगीता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना नाथनगर पुलिस को लगी तो वो घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में ले लिया। वहीं उस महिला के पति रमेश महतो और उसकी सास निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक संगीता देवी के पिता ने बताया कि कई बार मेरी बेटी से दहेज के लिए पैसे मांगने का काम हो रहा था, लेकिन मैं गरीब था, कहां से दहेज देता। आखिर मेरी बेटी को इन लोगों ने मिलकर गला दबाकर मार ही डाला। वहीं पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मृतक संगीता देवी के परिवार में मातम का माहौल है। संगीता की शादी 3 साल पहले रमेश महतो से हुई थी। पहले से मार देगा अथी भी करे रहे और 10,000 रुपये मतलब पैसा पहले दिले रही है, 20,000 दे के और वो मोटरसाइकिल। शादी ब्याह कर लिए, 3 साल तक ला ठीक रहे। फिर जैसे पलंग की मांग कर लेके तो 8,000 रुपये घर से भेजे, पलंग भी लिया। उसके बाद जो है फिर जो है 50,000 की डिमांड दिया कि पैसा मतलब जो है दो, नहीं तो तुम्हारा बेटी को मार दूंगा। उसमें आपके से जब पैसा मांगा गया, हाँ, तो उसमें आप बोले थे कुछ नहीं? पैसा तो जुगाड़े नहीं हो रहा था, जुगाड़ नहीं हुआ। गरीब आदमी है, हमारा पैर भी नहीं है, विकलांग आदमी है। लड़का जो जब शादी किए थे, लड़का कुछ करता था? कुछ नहीं। कैसे शादी? लड़का ऐसे कमाता उमाता था। क्या मजदूरी करता था? जी। कहाँ घटना घटा? घर दिलदारपुर में। दिलदारपुर में टोला में। जी। लड़का क्या करता था? काम करता है, टेंट फेंट का काम करता है। क्या नाम है लड़का का? नाम है रमेश महतो। रमेश महतो। उसके पिता का? रजी महतो, उप राजेंद्र महतो। गला घोटे कौन मारा? रमेश महतो। कौन है ये? उसका पति है। और कोई जुर्म उसके साथ था? और तो उसका मम्मी है और तो नहीं। पर घटना कब घटी है? रात में 11 बजे के लमसम घटी, हमको तो सुबह मालूम हुआ है। क्या वो लोग गिरफ्तारी हो गई? हाँ जी। हिंदुओं के महापर्व छठ पर्व को लेकर नगर निगम ने सक्रियता दिखाते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। भागलपुर नगर निगम के प्रसार में बृहद पैमाने पर विशेष बैठक की गई, जिसमें भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश सागर के साथ साथ मेयर, उपमेयर और सभी पार्षदों के साथ आज की यह बैठक की गई। आज की बैठक में आगामी त्योहार को लेकर साफ सफाई, रोशनी, पर्याप्त जलापूर्ति को लेकर वार्ता हुई। वहीं नगर आयुक्त ने भागलपुर की पूरे शहर की साफ सफाई एवं सभी छठ घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा, शहर में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, पर्याप्त जलापूर्ति के साथ साथ जो भी घाटों में दलदल है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो पाएगा उसे दुरुस्त करने की कवायद की जाएगी। साथ ही साथ एक एक वार्डों में पार्षदों से उन्होंने अपने वार्ड की साफ सफाई पर विशेष नजर रखने की हिदायत भी देते दिखे। आज हम लोग काली पूजा और छठ, दो आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति और पूजा समिति और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी जितने भी हम लोगों के सदस्य हैं उन सबों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में हर बार की तरह नगर निगम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं और नगर निगम के जितने भी कार्य रहेंगे इस पर्व पर, उन सबों पर चर्चा हो रही है। उनको ससमय हम लोग पूरा कराएं, इसके लिए बैठक कर किया जा रहा है। और स्पेशली नगर निगम के द्वारा सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा इस बार। इस बार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी सफाई हो रही है और कुछ जो वार्ड हैं नगर निगम के उसमें हम लोग अपने लेबर के द्वारा भी सफाई करा रहे हैं, तो समय पर हम लोग सफाई करवाएंगे। अभी से हम लोगों ने आदेश निर्गत हो जाएगा इस बैठक के बाद ही,
और सभी को लगा दिया है। चूना ब्लीचिंग का जो छिड़काव होता है वो टाइम से होगा। छठ जो घाट बनेंगे उसका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। छठ घाट में एक समस्या ये आ सकती है कि पानी थोड़ा इस बार कम है पिछले वर्ष की तुलना में, तो या तो हम लोग जो है बांका से चेक डैम से उसको बात करके उसको थोड़ा सा पानी को बढ़वाएंगे, और जहाँ जहाँ भी दलदल बन गए हैं घाट में उसमें पुआल कसाल डालते हुए और बालू का उपयोग किया जाएगा, और सारी अच्छी तरीके से उसकी पूरी सुविधा दी जाएगी छठ घाट की, और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। काली पूजा में अन्य भी कुछ कुछ इश्यूज आए हैं उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, स्पेशली रात में जो ये रोशनी का बहुत महत्व है, सभी जगहों पे लाइटें ठीक कराई जाएंगी, और जहाँ जहाँ भी लाइट की रोशनी की व्यवस्था करानी होगी वो निगम द्वारा कराई जाएगी। और भी जो महत्वपूर्ण इनके जो कृत्रिम तालाब वाला एक इशू है उसको भी बड़े से बड़ा, और जो जिससे क्योंकि काली पूजा में बड़ी मूर्तियाँ होती हैं तो उन बड़ी मूर्तियों का भसान आसानी से हो सके, उतने ही आकार का उतने ही इनका जो इनके द्वारा जो दिया जाएगा समिति द्वारा जो सुझाव दिया है उतना ही बड़ा हम लोग तालाब का निर्माण भी कराएंगे, और दोनों ही त्योहारों को काली पूजा और छठ को अच्छी तरीके से संपन्न कराने के लिए नगर निगम जो है वो प्रतिबद्ध है। सर मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? देखिए मुख्य जो हम लोगों का फोकस है वो सफाई पे ही होगा। अभी हम लोगों का कचरा उठाओ तीन पाली में हो रहा है, सुबह में दोपहर में और रात्रि में, और जो अभी आप जान रहे हैं दीपावली पे लोगों के घरों से कचरा बहुत ज़्यादा सा गंदगी और ये सब जो घर का कचरा होता है वो निकलता है, राविश भी निकलती है, तो वो सब का उठाव जो है समय पे हो जाए उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने ट्रांसफर स्टेशन चालू करा रखे हैं, डंपिंग साइट दे रखी है, तो सफाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और लोगों से भी अपील रहेगी कि यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, डस्टबिन हम लोगों की है, और जो डोर टू डोर उठाने वाला है उससे संपर्क साधने ही प्रयास करें जिससे शहर जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार होती वृद्धि और शहर में सिकुड़ते यातायात के बाद इन दिनों लोगों का रुझान एक बार फिर से साइकिल की ओर होने लगा है। साइकिल चलाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति उत्तम होता है। इन दिनों लोगों का रुझान ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल की साइकिल के साथ साथ नए बैटरी से चलने वाले ई बाइक की ओर अधिक हो रहा है। बैटरी से चलने वाले साइकिल की खासियत होती है कि वो बैटरी से तो चलती ही है, साथ ही आप पैडल मार कर भी उसे चला सकते हैं। भागलपुर में अगर साइकिल के विश्वसनीय साइकिल स्टोर की बात करें तो उसमें भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर्स का नाम सबसे पहले आता है। भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर्स के प्रोप्राइटर चरणजीत सिंह ने बताया कि यह साइकिल स्टोर भागलपुर की सबसे पुरानी साइकिल स्टोर है। 1949 में उनके पिताजी सरदार जोगिंदर सिंह ने इस स्टोर को खोला था। वर्तमान में वो इस स्टोर को संभाल रहे हैं और अब तीसरी पीढ़ी के रूप में इस स्टोर की बागडोर प्रिंस ने संभालनी शुरू कर दी है। भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर्स के प्रोप्राइटर चरणजीत सिंह ने बताया कि हमारे स्टोर में हर तरह के ट्रेडिशनल साइकिल के अलावे युवाओं की पसंद बन रहे ई बाइक, फैट बाइक के अलावे छोटे छोटे बच्चों के लिए बैटरी से चलने वाले मोटरसाइकिल और कार जो ऑनलाइन से कम कीमतों पर यहां आपको मिल जाते हैं के अलावे छोटे बच्चों के लिए वॉकर, झूले सहित तमाम चीजें उपलब्ध हैं। उनके स्टोर में सभी मशहूर ब्रांड के साइकिल उचित कीमत पर मिल जाते हैं। साथ ही उन साइकिलों में अगर भविष्य में कोई समस्या होती है तो हर तरह के साइकिल, चाहे वो पारंपरिक हो या फिर बैटरी चलित, उसकी रिपेयरिंग की सभी सुविधा और पार्ट्स यहां मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पिताजी सरदार जोगिंदर सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी 1949 में, अप्रॉक्स समझ लीजिए दुर्गा पूजा के लगभग में। आज इस दुकान का 75वां साल चल रहा है। कंटिन्यू मैंने इसको 1979 में किया, उसके बाद 2000
12 से मेरा बेटा भी साथ में इसमें कंटिन्यूड है। पहले तो कुछ और भी आइटम रिक्शा वगैरह का भी सामान होता था, उसको हमने हटा दिया। अब साइकिल के मुतल्लिक सारा कुछ है हमारे पास में, सारे ब्रांड्स हैं, हीरो, एवन, हरक्यूलिस, BSA, रैले, उसके बाद 91 टर्बाइन, फैंटम, और उसके बाद आपका केस्टो, डॉज, फैक्टर, ली, हरक्यूलिस, बहुत सारे ब्रांड है मेरे पास में। बच्चों के लिए मेरे पास में कार है, जीप है, मोटरसाइकिल है, और उसके बाद आपका एक तरह से दौड़ने वाला स्कूटी होता है वो है, ट्राईसाइकिल है, वॉकर है, झूला है, प्रैम है, बच्चों के लिए सारा आइटम है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह सब है। उसके बाद बड़े में भी बैटरी वाली साइकिल मेरे पास में अवेलेबल है, दोनों ब्रांड में है, एक 91 का ब्रांड है और एक आपका इमोट्रेड का। हाँ, संतुष्ट तो हैं, हमारे सर्विस भी बहुत, हम लोग कोशिश करते हैं हमारी बेटर से बेटर सर्विस लोगों को मिले, जिसमें से हम 3 महीना तक फ्री सर्विस देते हैं लोगों को, 90 डेज अनलिमिटेड। अगर कोई 10 बार भी आता है तो 10 बार भी उसका काम होता है, किसी भी तरह का काम साइकिल में होगा वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं विदाउट मजदूरी के, वो हमारे यहाँ सारा सही हो जाता है। हाँ, सारा काम मेरे पास होता है, चाहे साइकिल लीजिए चाहे आप बैटरी वाले बच्चे की, दाम बिल्कुल सही लगेगा। मेरे पास में गियर वाली साइकिल भी है, प्लेन भी है, डिस्क ब्रेक है, सारा मॉडल सब कुछ है, जिसमें सारा सामान हमेशा मेरे पास अवेलेबल होता है। भागलपुर के पुराने लोग इस साइकिल स्टोर को और उनके प्रोप्राइटर चरणजीत सिंह को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी विश्वसनीयता के कायल हैं। इस साइकिल स्टोर में 4500 रुपए से साइकिल की शुरुआत हो जाती है, वहीं अगर बैटरी वाली साइकिल की बात करें तो लगभग 25,000 से साइकिल का मूल्य शुरू हो जाता है। यहां पर आप EMI पर भी साइकिल खरीद सकते हैं, यहां हर तरह की EMI की सुविधा उपलब्ध है। अभी इन दिनों युवाओं के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहे फैट बाइक भी यहाँ उपलब्ध हो गई है। फैट बाइक के बारे में डिटेल से न्यू साइकिल स्टोर के प्रिंस ने बताया। एक फैट बाइक जिसको बोला जाता है मिनी SUV ऑफ ई बाइक्स, ये है इमोट्रेड की डूडल। इसमें आपको 4 इंच का चक्कर रहेगा, एल्यूमिनियम फ्रेम है पूरा, फोल्डेबल साइकिल है, यहाँ से हैंडल से लेके फ्रेम तक सारा फोल्ड हो जाता है, इवन पैडल तक फोल्ड हो जाते हैं इसके। और इसमें बैटरी चाहे तो निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको इस तरह का रहेगा, बड़ा डिस्प्ले आएगा जिसमें आपको बैटरी मीटर शो करेगा, स्पीड शो करेगा, कितना किलोमीटर चला चुके वो शो करेगा, पास लेवल शो करेगा। ताकि इसमें गियर भी है, 7 स्पीड का गियर आएगा, एक्सेलेटर भी है, हाफ थ्रॉटल। और ये हम लोग के कस्टमर ने ली है, उनका रिव्यू ले सकते हैं। साइकिल आप कितने से ला रहे हैं? ये साइकिल तो 4 दिन हुआ है अभी खरीदे हुए और काफ़ी अच्छा है। इसको चलाने के बाद महसूस होता है कि हाँ साइकिल चला रहे हैं, ऐसे ये मिनी बाइक तरह के हिसाब से है। ट्रेडिशनल साइकिल जो चलाते थे और हाँ, ये साइकिल मतलब एक्सपीरियंस में कितना अंतर आपको लग रहा है? तो ये तो खैर ऑटोमेटिक है, ये तो आराम से चलता है, इसमें ज़्यादा थकान होता नहीं है। जब मन होता है पैडल मारते हैं, जब मन होता है बैटरी से यूज करके चलाते हैं। तो ऐसा साइकिल देखिए रोड में निकलते हैं लोग देखते होंगे अभी, तो गाड़ी रोक खड़ा होकर पूछते हैं कि ये साइकिल कहाँ से लिए आप, क्या प्राइस है, सारे लोग पूछते हैं इससे। तो कहाँ से लिया आप? एक न्यू साइकिल स्टोर से। ये नॉर्मली कोई भी ले सके जिनको साइकिल चलानी है, घूमने फिरने जाना है, कहीं कहीं दूर लेके जाना है, साइकिल फोल्ड की बस लेके चल गए, ये उन लोगों सबके लिए है। अच्छा, क्या प्राइस रेंज क्या पड़ जाता है? ये 50,000 की है। अच्छा, मान लीजिए ये थोड़ा सा लोगों के लिए 50,000 एक साथ, तो क्या आपके पास कोई स्कीम है? ये EMI पे भी आ जाएगी, हम लोग के पास बजाज फिनसर्व की तरफ से भी EMI है, पेटल की तरफ से भी EMI है। अच्छा, जनरली साइकिल की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है आपके पास? 4500 से, बड़ी साइकिल आप 4500 से ले सकते हैं। तो अगर आप भी बढ़ती तेल की कीमतों से परेशान हैं और शहर में चलने के लिए साइकिल लेना चाहते हैं तो भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला के ठीक बगल में स्थित भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर्स पर एक बार जरूर आएं और यहां मिलने वाले साइकिल की वैरायटी में से आपको कोई न कोई साइकिल जरूर पसंद आएगी। प्रोप्राइटर चरणजीत सिंह ने बताया कि दिवाली के समय साइकिल लेने वालों को गिफ्ट भी दिए जाएंगे। हाँ, स्पेशल कुछ ना कुछ मिलेगा ही दिवाली में, दिवाली धनतेरस में बिल्कुल आए। और कहीं भी लेने से पहले एक बार जरूर आए, जरूर देख के जाए।
तो भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर्स का पता एक बार फिर से नोट कर ले। यह साइकिल स्टोर भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला के ठीक बगल में स्थित है। हिंदुओं के आस्था का महापर्व छठ पर्व एवं दीपावली काली पूजा का त्यौहार जल्द ही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने आज शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में शांति व सौहार्द भाईचारे के साथ त्यौहार संपन्न हो इसको लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही विसर्जन समय पर कराई जाए जिससे शहरवासियों को बिजली पानी की परेशानी न झेलनी पड़े इस पर भी विशेष चर्चा हुई। नया मतलब कि काली पूजा के मुख्य रूप से अध्यक्ष और उनके कुछ दो तीन मेंबरान को बुलाया गया और पर्वती के अध्यक्ष और मेणपति सचिव को बुलाया गया, कोषाध्यक्ष को बुलाया गया, इसलिए कि काली का जो विसर्जन शोभा यात्रा है उसकी विधि व्यवस्था को लेकर, मूर्ति के विसर्जन को लेकर SDO और DSP साहब ने आज इन लोगों से बात किया। शांति समिति की बैठक भी बाद में होगी, नगर आयुक्त की भी बैठक है, लेकिन मुख्य रूप से विसर्जन को लेकर है कि टाइमिंग मेंटेन कीजिए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सेविका सहायिका द्वारा लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन लोगों की मांगे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, साथ ही हमारी नौकरी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वहीं प्रदर्शनकारी सेविका ने कहा कि हम लोग फ्रंट बैरियर के रूप में काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रहा, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसको लेकर घंटों प्रदर्शन कायम रहा। सूत्री मांग है हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोग आगे नहीं मिलेगा हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, तो हम जहां तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग को करना पड़ेगा। चक्का जाम 7-6, 7-8 तक हम लोग का पटना में प्रदर्शनी है और जाकर के वहीं हम लोग को चक्का जाम करना है नीतीश कुमार के सामने। हमारी मांग 5 सूत्री मांग है, मानदेय से वेतन का मांग चाहिए और सरकारी का दर्जा होनी चाहिए और हर हाल में जब तक हम लोग को मानदेय से वेतन नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे और हड़ताल जारी रहेगा और किसी प्रकार का हम लोग जितने भी हैं इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे मोदी सरकार को, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और हम लोग 1,28,000 सहायिका हैं, 1,28,000 सेविका हैं, सारी सेविका को 1,00,000 में 100 सेविका को 100 लाभुक है, तो सोच लीजिए उसमें जोड़ लीजिए कि 5,00,000 को सेविका को जितने भी है 5,00,000 हो जाएगा सेविका सहायिका को लाभुक। IMA भागलपुर इकाई द्वारा आगामी 5 अक्टूबर को वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर IMA के प्रसार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें कई गणमान्य चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि यह वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम 2 सत्र में होना है जिसमें हड्डी रोग एवं कैंसर रोग पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति के साथ साथ विशिष्ट अतिथि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य व महाविद्यालय के अधीक्षक रहेंगे। साथ ही सेमिनार में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, खासकर किस विधा में चिकित्सकों ने उन्नति पाई है, किस और दुरुस्त किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। भागलपुर IMA की तरफ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल 5 नवम्बर को हमारा वार्षिक अधिवेशन है, इसमें 2 सत्र होंगे जैसे बाकी अभी चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग ने आपको बताया, डॉक्टर रोमा यादव ने और डॉक्टर RP जायसवाल ने आपको बखूबी बताया कि पहले सत्र में वैज्ञानिक सत्र का संचालन होगा जो 3:30 दोपहर अपराहन से शुरू होगा और 6:30 तक चलेगा। फिर 6 बजे के बाद हमारा उद्घाटन कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय डॉक्टर NK यादव इंदु जी होंगे जो भूतपूर्व कुलपति हैं रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य और अधीक्षक दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे और एक गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे डॉक्टर प्रोफेसर DP सिंह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं औषध विभाग से भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय से। तो जो सत्र है हमारे 2 सत्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ पर चर्चा होगी, कैंसर विषय पर चर्चा होगी और इनफर्टिलिटी पे एक चर्चा होगी और एक सत्र जो कॉमन सारे लोगों के लिए ये सत्र होगा ताकि सारे लोगों के समन्वय हो सके, सारे लोगों के से ये हमारा स्थापित हो सके, संवाद स्थापित हो सके कि आने वाले समय में और किन किन विधाओं में कितनी उन्नति हुई है और क्या क्या नए नई चीज़ें समायोजन किया गया है चिकित्सा पद्धति में, वो सारे हमारे आने वाले स्पीकर्स जो विचार विमर्श।
आंगनबाड़ी की सेविका एवं सहायिकाओं ने पांच सूत्री मांग को लेकर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम से पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए विधायक ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंचकर विधायक के मीडिया प्रभारी को मांग पत्र सौंपा। उन लोगों ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी व ग्रेड डी में समायोजित करते हुए 25,000 रुपये सेविका को एवं 18,000 रुपये सहायिका को मानदेय दिया जाए। वहीं बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। तीसरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार सरकार में भी ग्रेच्युटी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चौथा, सेविका एवं सहायिका को बहाली हेतु अतिरिक्त 10% बोनस अंक देते हुए सेविका से पर्यवेक्षिका, सहायिका से सेविका के पदों पर बहाली सुनिश्चित की जाए। उन लोगों ने कहा कि सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती तो 18 नवम्बर 2019 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान सेविका एवं सहायिका रीना कुमारी, नीलम कुमारी, मंजिता कुमारी, नाजमी बानो, रीना देवी, सेविका एवं सहायिका मौजूद थे। आज तारीख 4 तारीख का जो हम लोग लेटर दिए हैं बिहार सरकार को कि हम लोग का 4 तारीख को अगर नहीं सुनवाई होगा तो घेरा डालो विधायक जी के घर पे हम लोग आए हैं। अभी विधायक जी नहीं हैं लेकिन हम लोग का लेटर यहाँ लिया गया, आश्वासन मिला है कि विधायक जी तक ये लेटर पहुँचाया जाएगा। तो हम लोग का प्रोग्राम है अब 8 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और हम लोग को न्याय चाहिए। हम महिलाएं हैं, हमारा वर्क आप देख रहे हैं, ऑनलाइन भी हम लोग हर समय वर्क करते हैं और सभी को अगर सरकार सब कुछ दे ही रहे हैं तो हम लोगों के लिए इतना क्यों सौते लाभ वर्क क्यों, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं या गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हर घर अपना है, हर घर को शिक्षित करना है के स्लोगन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के मुसहरी घाट में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मुसहरी घाट के आसपास के गरीब लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही लोगों के बीच शिक्षित बनने को लेकर, पढ़ाई करने को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कई अधिकारी व जिन्होंने आज भागलपुर चैम्बर के अतिथि को स्वीकारा और हम लोग के ये छोटे प्रयास कि हर घर अपना है और हर घर को शिक्षित करना है। हम लोगों की कोई भी राजनीतिक मानसा या मनसा कभी नहीं रहती है। हम लोग लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा को गरीब घर की बच्चियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल में 2 बार करते हैं और इससे हम लोग यही चाहते हैं कि बच्ची को प्रोत्साहन मिले और बच्ची पढ़ने के लिए वचनबद्ध हो और समाज के लोग जो प्रथम पंक्ति के जो लोग हैं वो आके वहाँ उनके साथ बैठें और उनको एहसास दिलाएं कि ये जो बड़े बड़े पर्व हैं, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ पूजा है, दशहरा है, होली है या मुहर्रम है या ईद है, ये मनाने के लिए आप महलों से निकल कर वहाँ पर आइए जहाँ पे ये खुशियाँ नहीं पहुँच पाती है। ये एक छोटा सा प्रयास हमारे इन समाज के पिछले पंक्ति के बच्चों को दीपावली की, छठ पूजा की खुशी का एहसास कराना मात्र है जिससे ये शिक्षित हों। इसमें हमारे चैम्बर के संरक्षक हैं प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब। नियोजन कार्यालय में सुपर 30 बैच प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जा रही है जहां युवा अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क नामांकन लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें ई बुक पुस्तक उपलब्ध रहेंगे। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता किया गया। इसमें अधिकारी ने बताया कि बिहार में यह इनोवेशन पहला है। साथ ही बताया कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल आज से लॉन्च किया जा रहा है जिसमें करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, रोजगार के अवसर कब और कैसे भरे जाएं फॉर्म आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। स्टडी की जिसमें टूल किट योजना में एक जरूरी आवश्यकता ये होता है कि जो बच्चे जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं तो उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ट्रेंड नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि हमको ये सुविधा मिले, टूल किट की सुविधा मिले, तो उनके लिए भी BSDM के द्वारा उनका हम लोग नाम ले रहे हैं कि जो लोग इच्छुक होंगे जिस ट्रेड में टूल किट चाहते हैं वो अपना नाम देंगे और उन लोगों की सूची हम BSDM को भेजेंगे। BSDM उन लोगों को उसी फील्ड में अपना ट्रेनिंग देगी।